मेमोरेंडम दिया गया है, डिमांड क्या की गई आप लोगों की तरफ से? 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत अमल में आई थी, उसके बाद तकरीबन 28 साल मुकदमा चले और सुप्रीम कोर्ट ने जो है तो बाबरी मस्जिद का जज्बात की बुनियाद पर, आस्था की बुनियाद पर फैसला कर दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और हमारे उलमाए कराम की हिदायत के बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा ने उसको कबूल किया, लेकिन उसके जो मुलजमीन थे उन्हें भले ही सीबीआई कोर्ट ने रिहा कर दिया हो, लेकिन हमारे आज यही डिमांड लेकर हम आए हैं कि उन मुलजमीन को कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए मज़ीद आगे की जो अदालत है उसमें को बाज़ाब्ता हुकूमतों को भी नुमाइंदगी करनी चाहिए और ऐसे मुलजमीन के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और ये आज एक बाबरी मस्जिद का मामला नहीं है, बल्कि इस मुल्क से मुल्क को टुकड़े टुकड़े करने वाली जो ताकतें हैं, जो नफ़रत फैलाने वाले सौदागर है, वो इस मुल्क में कई मसाजिद को निशाना बनाना चाहते हैं। तो हमारा यही कहना है कि एक मस्जिद के बाद अगर दीगर मसाजिद को निशाना बनाने की ये लोग साजिश रखते हैं तो ऐसे लोगों पर हुकूमत अभी से शिकंजा कसे, न सिर्फ शिकंजा कसे बल्कि उनकी साजिशों को नाकाम करने के लिए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। पहले उन लोगों के ख़िलाफ़ करे जिन्होंने बाबरी मस्जिद की शहादत में प्रैक्टिकल रोल प्ले किया था, और बाद में उन तंजीमों पर, उन जमातों पर और उन अफराद पर जो है तो सख्त से सख्त कार्रवाई करे जो अब बाबरी मस्जिद के बाद दीगर मसाजिद को निशाना बनाना चाहते हैं। बाबरी मस्जिद के एक मसले को मुसलमानों ने, हिंद ने कबूल कर लिया है, लेकिन हम नहीं समझते कि अगर आने वाले दिनों में ऐसे कोई मामला सामने आते हैं तो ये मुल्क में जो है तो दो तबकात के बीच में नफ़रत को फैलाने का एक मज़ीद जो है तो एक बड़ी साजिश होगी जिसको हम सबको मिलकर नाकाम बनाना है। और हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि वह ऐसे अफराद और ऐसी जमात, हमारे प्रेसिडेंट जनाब इम्तियाज़ जलील साहब और डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी साहब की हिदायत पर हमने इस साल भी काला दिवस मनाया। MIM के कार्यकर्ताओं ने और हर बाशऊर मुसलमान ने अपने बाजू पर काली पट्टी बांधकर दिन भर बांधे रखा एक एहतजाज के तौर पर, लेकिन चूंकि कोविड का दौर है और किसी किस्म के कोई एहतजाज की पुलिस इंतज़ामिया की तरफ से परमिशन नहीं मिल रही थी, इसीलिए हमने भी जो है तो कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा लिहाज रखते हुए इंतज़ामिया का सपोर्ट किया, उनके साथ ताउन किया और काली पट्टी बांधकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। कल जो है भारत बंद का ऐलान किया गया है, किसानों के समर्थन में पूरे मुल्क भर में समर्थन किया जा रहा है, औरंगाबाद शहर में भी बंद रहने वाला है, बहुत सारी तंजीमों ने इसका भी सपोर्ट किया है, क्या MIM का भी सपोर्ट है किसानों के आंदोलन को? बिल्कुल, हम किसान जो है तो इस मुल्क की माशियात, इस मुल्क की इकनॉमी की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, अगर वो परेशान हो गए तो सारा मुल्क परेशान होगा। तो मजलिस तो मुल्क को मुत्तहद करने का, मुल्क को मजबूत करने का काम करती है, और किसानों के मसाइल से अपने आप को हम चश्मपोशी के साथ अंधेरे में नहीं रख सकते, हम किसानों के साथ खड़े हैं। बल्कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यहाँ तक कहा है कि किसानों के मसाइल के हल के लिए वो जब भी आवाज़ देंगे, जहाँ भी आवाज़ देंगे, मजलिस अपनी पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़े रहेगी। MIM के कार्यकर्ता कल शहर बंद करवाने के लिए रास्ते पर उतरेंगे? रास्ते पर उतरना नहीं, उतरने का फैसला चूंकि अभी नहीं हुआ है, आज शाम में हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग है, उसमें फैसला होगा कि हम बंद को किस तरीके से कामयाब करें, लेकिन बंद जो भी करेंगे हम जमहूरी तरीके से करेंगे और एक लीगल फ्रेम में रहकर जो है तो अपना लोकतांत्रिक तरीके से जो है तो हम अपना एहतजाज दर्ज करवाएंगे। गेल्या 26 तारखेपासून देशातील शेतकरी दिल्ली राजधानीला घेरून बसलेले आहेत, त्यांची मागणी अत्यंत रास्त आहे, लोकशाही विरोधी पद्धतीने, हुकूमशाही पद्धतीने लोकसभेत आणि राज्यसभेत ज्या पद्धतीने कायदे पास करण्यात आले, शेतकरी संघटनांना विश्वासात न घेता हे काळे कायदे पास करण्यात आले, शेतकरी संघटनांशी चर्चा करायला पाहिजे होती, पार्लमेंटरी स्टँडिंग कमिटीने शेतकरी संघटनांना बोलवून त्यांचा आक्षेपावर सुनावणी घ्यायला पाहिजे होती, आणि अशा पद्धतीने जे काळे कायदे पास केले त्याचं परिणाम आता जन आंदोलनामध्ये झालेला आहे, लाखो शेतकरी देशभरातील दिल्लीच्या दिशेने निघालेले आहेत, लाखो शेतकरी त्या ठिकाणी पोहोचलेले आहेत आणि दिल्लीचा घेराव त्यांनी केलेला आहे, आणि लोकांना देखील या कायद्याचा मोठा त्रास होणार आहे। सरकारनं आता साठेबाजीला पूर्णपणे नियंत्रित करण्याचा कायदा मोडीत काढलेला आहे, या कायद्यानंतर कॉर्पोरेट घराण्यांना मोठ्या प्रमाणात साठेबाजी करता येणार आहे आणि त्या साठेबाजीमुळे रेशनिंग व्यवस्था मोडीत निघणार आहे, त्या साठेबाजीमुळे महागाई प्रचंड प्रमाणात वाढणार आहे आणि अदानी अंबानीला
देश विक्री काढण्याचं काम हे सरकार करत आहे, त्यामुळं हे जे काही बाजार समिती मोडीत काढण्याचा जो कायदा सरकारनं आणलेला आहे हा कायदा रद्द करावा, त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना हमी भाव देणारा कायदा त्यांनी करायला पाहिजे होता, तो त्यांनी केलेला नाही, आणि या सगळ्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या बाजूने सगळ्या देशातील जनता उभी आहे। सरकारनं याच्यामध्ये कुठलंही राजकारण आणू नये, आम्ही नागरिक म्हणून त्यांच्या बाजूने उभे आहोत। उद्या या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी देशव्यापी बंद पुकारण्यात आलेला आहे। मी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षातर्फे आणि कामगार कर्मचारी संयुक्त कृती समितीच्या वतीनं आणि किसान समन्वय समितीच्या वतीनं देशातील नागरिकांना, कामगारांना, विद्यार्थ्यांना, व्यापाऱ्यांना, सर्वांना आवाहन करतो की एक दिवस आपण अन्नदात्यासाठी, स्वतःसाठी, येणाऱ्या पिढीसाठी आणि देशासाठी आपण बंद पाळावा। उद्याच्या बंदमध्ये सहभागी होणं हीच खरी देशभक्ती असं आमचं मत आहे। म्हणून सर्वांना नम्र विनंती की उद्याचं कामकाज आपण बंद ठेवावं आणि शेतकऱ्याच्या पाठीशी उभा राहण्याचा संदेश सरकारला द्यावा। मी ॲडव्होकेट कॉम्रेड अभय टाकसाळ, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचा राज्य कार्यकारिणी सदस्य। से भी और सारी चीजें परेशानियां हैं और आरटीए कमेटी रिक्शा संगठन की बात सुन नहीं रही है। बार बार जो परेशानी हो रही है, आरटीए कमेटी का मीटिंग नहीं होता है और उसकी वजह से रिक्शा वालों को परेशानी है। और ये जो परेशानी है ये जनरल परेशानी है, किसानों का आंदोलन की वजह से बस बंद रहेगा, शहर बंद रहेगा तो रिक्शे का धंधा कहाँ से होगा। इसलिए रिक्शा वाले बिल्कुल बिना शर्त पाठिंबा देने के लिए तैयार है और 100% रिक्शा बंद रहने के लिए चलेगा, लेकिन कुछ लोग जो जिनका प्रॉब्लम है दवा खाने का, इसका उनको सर्विस दी जाएगी। कितने बजे से कितने बजे तक रिक्शा बंद रहेगी? सुबह 7 बजे से शाम में 5 बजे तक रिक्शा बंद रहेगा। कितने रिक्शा है शहर में? अलग नहीं है, क्योंकि आज सारी तरफ से परेशानी चालू है, इसलिए आंदोलन भी नहीं कर सकते। इसलिए बंद रखकर शेतकरियों को पाठिंबा देने का निर्णय रिक्शा संगठन ने लिया है। आपका नाम? मेरा नाम निसार अहमद खान, मैं रिक्शा चालक संयुक्त संघर्ष कृति समिति का अध्यक्ष। बुद्धिनाथ बराड़ साहब, कल भारत बंद है किसानों के समर्थन में और बहुत सारी पार्टियों ने समर्थन किया है इस बंद का जी। तो आप भी एक पदाधिकारी है सीटू के, तो एक टू के आप पदाधिकारी है, तो इसमें क्या क्या बंद रहने वाला है हमारे चैनल को देखने वालों को बताइए कल। देखिए, ये जो किसान की जो लड़ाई है, 216 किसान संगठना है और कामगार संगठना है, कम से कम नहीं 150-200 छोटे छोटे जैसे मेघा पाटकर है, यादव साहब है, ऐसे जो एनजीओ है और शेतकरी संगठन केरला से लेकर के बंगाल से लेकर के गुजरात से लेकर सब लोग पाठिंबा दिए हैं, अनगिनत इतने लोग आ रहे हैं। इनका लड़ाई को देख करके खुद होकर के लोग आ रहे और रोज 10,000, 20,000, 50,000 अभी 1.5 लाख लोग एक दिन में आने वाले हैं, क्योंकि कल लड़ाई है, कल बैठक होगी। सरकार बहुत बड़ा मिलिट्री का जैसे BSF है, यह है फौज, उनको खड़ा किया है। क्यों? औरंगाबाद में क्या क्या बन रहा है बोल रहा हूँ ना, तो ये सब को देखते हुए हम लोगों ने 3 दिन से ये प्रचार कर रहे हैं। रिक्शा यूनियन हो, कामगार यूनियन हो, होटल मालक का रिक्वेस्ट किए हैं हमने, व्यापारियों को रिक्वेस्ट किए, कल बाजार समिति बंद रहेगा, परम्परा भाजी मंडी बंद रहेगा, लाल बट्टा रिक्शा यूनियन और संयुक्त कृति समिति का रिक्शा यूनियन ये बंद रहेंगे। हाँ, दूसरी बात है, इसलिए हम निसार भाई को यहाँ पर बुलाए थे, मैं बुद्धिनाथ बराड़ लाल बट्टा रिक्शा यूनियन का अध्यक्ष हूँ। हम लोगों ने क्या सोचा है, क्यों जिस किसान रात दिन काम करके हमको अनाज देता है, उस किसान आज मुसीबत में है, उसको एक धैर्य, एक शक्ति देना चाहिए बोल करके हम सब लोग एक जगह आए। आज हमारी शाम को 5 बजे बैठक है नारियल बाग में, सुभाष सोलंकी का ऑफिस में जो रद्वी ज्वेलर्स घर के बाजू में, और वहाँ पर निर्णय लेंगे। और कल रास्ता रोक आंदोलन दिल्ली गेट पे होने वाला है, चाहे हमको जेल में डालो, चाहे कुछ भी करो, कल हम
रास्ता रोको आंदोलन करने वाले हैं। कितने बजे रहेगा? और कल वो रहेगा 12 बजे, दोपहर को 12 बजे। उसमें आईटक है, सीटू है, हिंदू मधुर सभा है, दूसरे एक्टू है, रिक्शा यूनियन है, भाजी मंडी यूनियन है, दूसरी बात कपड़ा व्यापारी यूनियन है, गुमस्ता यूनियन है, होटल मधुर का यूनियन है, सबको हमने अपील किए बंद रखो। शहर के कितने रिक्शा बंद रहने वाले? रिक्शा का कम से कम हम समझते हैं 40-50 हजार रिक्शा है जिले में, तो 20-25 हजार तो रिक्शा आराम से बंद रहेंगे। और कोरोना काल चल रहा है, मरीजों को लाने लिए आएंगे, इमरजेंसी में चालू रहेंगे रिक्शा? एक आध इमरजेंसी रहेगा, अगर हमको किसी ने फोन नंबर दिया तो हम उसका व्यवस्था कर देंगे। लेकिन कल अगर सत्याग्रह किए हम रास्ता रोको आंदोलन किए, पुलिस ने अगर अटैक किए तो फिर थोड़ा मुश्किल जाएगा, क्योंकि हम तो नहीं रहेंगे ना, क्योंकि जिनको कुछ लोग हम जब मदद करते हैं, अनुभव भी थोड़ा कड़वा है लेकिन फिर भी चलता है, हम लोग मदद करेंगे इमरजेंसी में जो हमको फोन करके बोलेगा। और दूसरी बात है, और ये जो किसान का बहुत सारे लोग यहाँ से गए हैं, मेघापाट कर गए, वो प्रहार के लोग गए, सीपीआई सीपीएम के लोग गए, एक्टिव वाले लोग गए, सीपीएमएल के लोग गए, सारे नेता लोग वहाँ बैठे, एक जबरदस्त लड़ाई। मेरे पूरे 50 साल की राजनीति में पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इतना बड़ा लड़ाई में हिंदू मुसलमान बुद्ध सिख ईसाई जैन सब एक जगह आकर के लड़ाई कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी खुशी की बात। सरकार ने तो बातचीत की है ना आंदोलनकारियों से? सरकार जो बात कर रहा है, मुंह में राम बगल में छुरी, ये नहीं चलेगी। साफ बोलो हाँ या नहीं, हम भी वही बोल रहे हैं, हाँ या नहीं। अभी क्या बोल रहे हैं कि हम थोड़ा सा दुरुस्ती कर देंगे, मतलब मेरा अगर बीमारी है पूरा उसका इलाज होना चाहिए, थोड़ा सा इलाज कर देंगे, बोले तो क्या है, मतलब बीमारी खत्म नहीं होगी। सरकार का तो बोलना है इसमें फायदा है किसानों का ये बिल में। और फिर सरकार तो बोलेगा, सरकार को किसने मांग के क्या था कि आप ये बिल बनाओ बोल के, ये कानून बनाओ बोल के, किसने बोला? और वहां पर चर्चा हुई क्या बिल का ऊपर? नहीं चर्चा हुई लोकसभा में, आपने छुपे रास्ता से बिल पास किए, इनलीगल है वो बिल, हिटलर साइड चला रहे आप। ये सरकार तो विरोधी पक्ष पर ये भी आरोप लगा रही है कि सियासत कर रहे सब लोग। नहीं, सियासत नहीं है, सच बोलना सियासत अगर है तो हम सच बोलेंगे। किसानों की क्या हालत है, आपने सब टाटा बिरला गोयनका अदानी अंबानी को सब दे रहे हो, हैं? क्या दे रहे हैं आप बोलो? आपने बोले अभी बीच में सब लोग बोले दो कामगार को 25,000 मिला, आपको मालूम है 25,000 8.33% माने 8.33% अगर बोनस हुआ था उनका 40 से 50 हजार आपने दिया 25,000 और 20% में कितना होता है, 1,00,000 का ऊपर होता है बोनस, आपने नहीं दिया, सब झूठ बोल रहे हैं। और जिस कामगार को मिल गया चलो कुछ नहीं मिलता, 25,000 तो मिला कुछ होता, लेकिन उसको भी मालूम है मेरे को कम पगार मिला। अभी जिनका पगार 18,000 कम से कम होना चाहिए उसको कितना मिल रहा, 8,000-6,000। देश आगे बढ़ेगा, कुटुंब आगे बढ़ेगा, उसका बच्चा अच्छा उच्च शिक्षण लेगा, मुठ भर लोगों के लिए उससे स्कूल में फी बढ़ रहा है, स्कूल का अंदर डोनेशन कैपिटेशन भी बढ़ रहा है, महंगाई अनाज में बढ़ गया, भाजी में बढ़ गया, 60-70 रुपया किलो भाजी हो गया था, अभी मेथी का थोड़ा सा कम हुआ, 10-5 रुपया को एक गाठी मिलता था। ये सब देखने के बाद ये जो सरकार है 20% लोगों का सरकार है, ये आम जनता की सरकार नहीं। हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाओ, दलित सवर्ण का झगड़ा लाओ, ये सब कर रहे, इससे कुछ देश कमजोर होगा, मजबूत नहीं होगा। अगर आप सबको लेकर के हिंदू मुसलमान बुद्ध सिख जैन ईसाई हम सब भाई ये तत्वज्ञान को लेकर चलेंगे, ये देश मजबूत होगा। कामगार कितने रहने वाले हैं संपर्क? कामगार को तो हमने अपील किया है, क्योंकि 26 तारीख को बंद किया है, कितना आएंगे इसका बोलना आता है, फिर भी जो सत्याग्रह अपना रास्ता रोक होगी उसमें काफी लोग रहने वाले हैं। ठीक, उसमें नाम बोला आपको? मेरा नाम कॉमरेड बुद्धिनाथ वरल, मैं एकटू का जिला जनरल सेक्रेटरी, और हमारे साथी निसार भाई ये संयुक्त कृति समिति का अध्यक्ष है औरंगाबाद के। Come on.
जिंदाबाद।